हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे एक अपने फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस अमेजिंग वेबसाइट कॉल्ड फिवर। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। एज यू कैन सी देर आर फोर स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3 एंड ऑल ऑफ दीज आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। एंड तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में हो सकता है वो स्पेशल एक्स फैक्टर हो जो आपको चाहिए इस साइट पे क्लाइंट्स ढूंढने के लिए एंड इससे अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को फॉर मोर स्टफ रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग। तो ये एक वैसा नॉर्मल ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगा जैसे बहुत लोग बनाते हैं, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करके आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट। एंड ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देखेंगे अगर वो इस पार्ट को स्किप कर देंगे तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 2-3 दिन में जब देखेंगे कि क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो क्विट कर देंगे एंड दे विल जस्ट पोस्टपोन देयर जर्नी ऑफ लाइक बिकमिंग अ गुड फ्रीलांसर। पर्सनली मैंने फिवर पे कुछ काम किए हैं एज लाइक लोगो डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, सो आई हैव अ क्लू अबाउट हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड व्यूज ऑन योर गिग्स। इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ गिग इज़, बेसिकली ये जो भी आप यहाँ पे ऐड डालेंगे अपने सर्विस को लेके उसको हम एक गिग बोलते हैं एंड योर गिग्स आर बेसिकली द वेज टू रीच योर कस्टमर्स। सो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फिवर पे लाखों लोग हैं जो हो सकता है कि वही सर्विस दे रहे हो जो आप अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे एड्स एक ही चीज़ के हैं, आई विल क्रिएट अ लोगो, आई विल क्रिएट अ लोगो, आई विल क्रिएट अ लोगो, यही भरा पड़ा है। एंड ये देखिए जैसे ये प्रो वेरीफाइड हो रखा है बंदा, तो क्या चांस है कि एक जो नया क्लाइंट आके यहाँ पे डालेगा लोगो डिज़ाइन और वो इतना नीचे आके आपकी प्रोफाइल देखेगा एंड उस पर वो बैच भी ना हो प्रो वाला, तो वो आपको बहुत कम चांस है कि अपना पैसा देना चाहेगा, राइट? आपने देखा भी होगा खुद गिग डाल के आपको व्यूज मिलते हैं लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिलते। एंड इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, हाउ टू गेट पेइंग क्लाइंट्स इन इंडिया इन 2022। दिस वीडियो बेसिकली टारगेट्स दिस प्रॉब्लम कि यहाँ इतने सारे कॉम्पिटिशन में से आपको कैसे अपना गिग ऊपर उठाना है एंड कैसे क्लाइंट्स की नज़रों में आना है ताकि आप उनके ऑर्डर्स लेके प्रोसेस करके अपनी फ्रीलांस जर्नी को बेटर कर सके। तो मैं आपको हाईली एनकरेज करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को इसके बाद ज़रूर देखें, मैं उसको यहाँ ऊपर कहीं मेंशन कर दूंगा। द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 1 इज टू बिकम अ सेलर अकाउंट एंड दिस इज बेसिकली यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा बिकम अ सेलर। अगर आप कोई भी फ्रीलांस सर्विस बेचना चाहते हैं तो यू हैव टू बिकम अ सेलर ऑन फिवर फर्स्ट। नाउ दिस फॉर्म यू हैव टू फिल अप कम्प्लीटली, ये बेसिकली आपके सारे डिटेल्स मांगता है, तो इसको जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ एंड आगे के स्टेप पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 75% कंप्लीट कर लिया है अपनी प्रोफाइल को एंड आई थिंक मिनिमम 65 चाहिए होता है एंड वी नीड टू फिनिश। डन, अभी हमको लेके आता है हमारे पहले गिग पे जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ क्रिएटिंग योर फर्स्ट गिग। एंड इसके लिए मैं स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एक साथ ही चलेंगे बिकॉज वाइल क्रिएटिंग द गिग्स मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ऐसी कौन सी टिप्स होती हैं जो कि आपको हेल्प कर पाएंगी ताकि आप अपना गिग को थोड़ा अलग दिखा सकें दूसरे लोगों से। अगर मैं होम पेज पे आऊँ फिवर के एंड आई सर्च फॉर कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं बट सबका टाइटल आई विल से स्टार्ट होता है, दैट इज़ बिकॉज आई विल इज़ कॉमन इन एवरी टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको अपने टाइटल में अच्छे अच्छे फैंसी एडजेक्टिव्स यूज़ करने पड़ेंगे। एज वियर्ड एज इट साउंड्स, आपकी सर्विस बेसिक है, सब वही कर रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि किसका टाइटल ज़्यादा अच्छा है, किसी का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छा है, किसी की प्राइसिंग अलग है। And obviously the title is the first thing, except for like the picture, the first thing that the user reads. So it has to grab the user's attention. जैसे इसने लिखा है, I will write original SEO content for your blog. I will write engaging. I will write your SEO rich blog article content. तो आप देख सकते हैं एक pattern यहाँ पे ये common है कि अच्छे अच्छे adjectives आप use कीजिए, ऐसा adjective use कीजिए जो आपकी service को अच्छे से define करता हो। लेट्स से मैं यूनिक कंटेंट लिखता हूँ, दैट इज़
ओरिजिनल तो वो है ही, बट उसका जो स्टाइल है वो मेरा अपना स्टाइल है, तो मैं उसको यहाँ मेंशन कर दूंगा. आई विल राइट एन एंगेजिंग एंड यूनिक आर्टिकल. सेकेंड थिंग, अपने टाइटल को बहुत ज्यादा लंबा मत कीजिएगा. शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर. तो ये फेवर आपको बताना चाह रहा है कि आपका जो टाइटल है वो एकदम प्रॉम्प्टली पूरा पूरा छोटे में आप उसको क्रिस्प रखिए बेसिकली. नेक्स्ट वी हैव अ कैटेगरी एंड सिंस दिस इज कंटेंट सो इट विल कम अंडर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. सब कैटेगरी लेट्स से आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट. सर्च टैग्स, ये एक ऐसा एरिया है जो कि आपके गिग को, जो कि आपके इस एड को मेक और ब्रेक करता है. बेसिकली ये पांच ऐसे टैग्स आपको यूज़ करने हैं जो कि आपकी पूरी सर्विस को सम अप कर दें. ये टैग्स किसी को नहीं दिखेंगे, मतलब आई डोंट थिंक वो लोग इसको दिखाते हैं कस्टमर्स को, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट. बेसिकली आप वेबसाइट को, फेवर को ये बता रहे हो कि आपकी सर्विस किस बारे में है. एंड ऐसे मैं दो और टैग्स दे दूंगा दैट विल बी रेलेवेंट टू दिस एड स्पेसिफिकली. अब जैसे राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग ऑब्वियसली हैज टू बी देयर. एक चीज आप ध्यान में रखना कि मैक्सिमम पांच टैग्स अलाउड हैं, बट आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो. तो जो अगला स्टेप है हमारे गिग सेटअप करने में वो है प्राइसिंग. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपके प्राइस पे ही आपके गिग का चलना या फेल होना डिपेंड करता है. अगर आप अपनी सर्विस को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस कर देंगे, मान लीजिए आपके पास 2 साल का डिज़ाइनिंग या कंटेंट राइटिंग एक्सपीरियंस है एंड यू आर चार्जिंग 46,000 फॉर इट, लाइक बहुत ज़्यादा, तो कोई आपका नहीं खरीदेगा गिग. यू हैव टू प्राइस योर गिग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस लेवल. एंड ये पैकेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बेसिक पैकेज होगा, उसमें आप सबसे कम सर्विसेज देंगे. एक स्टैंडर्ड होगा जिसमें आप उससे ज़्यादा देंगे. एंड प्रीमियम में आप सबसे ज़्यादा देंगे. आपका टारगेट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस शुड बी दिस वन, स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि बेसिक एक अच्छा क्लाइंट लेना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी फीचर्स बहुत कम होंगे. प्रीमियम भी कोई नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा. तो आप स्टैंडर्ड को ऐसे डिज़ाइन करो कि बेसिक का वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड लगे एंड प्रीमियम से वो थोड़ा सा डाउनग्रेड लगे. एंड यहाँ पे जैसे डिलीवरी टाइम है, सो फॉर बेसिक आई वुड से 3 delivery days इज इनफ. फॉर स्टैंडर्ड यू कीप इट एज 1. फॉर प्रीमियम ऑल्सो यू कीप इट एज 1. तो अब ये देखेगा कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम का डिलीवरी टाइम सेम है, बट इसका इससे बहुत ज़्यादा है. तो आपका मेन गोल शुड बी टू गेट द स्टैंडर्ड और प्रीमियम, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टैंडर्ड के लिए जाएं. रिविजन्स इज बेसिकली कि एक बार मैंने आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया, मान लो आपको वो इतना पसंद नहीं आया या आपको उसमें कोई चेंजेस करवाने हैं, तो आप कितने रिविजन्स करोगे. जैसे एक बार मैंने अगर प्रोडक्ट दिया उसके बाद मैं कोई रिविजन नहीं करूँगा, दैट इज़ 0. स्टैंडर्ड में मैं एक बार उसको आपके हिसाब से, आप एक बार मुझे सारे चेंजेस बताओ, मैं सारे करने को तैयार हूँ. प्रीमियम में मैं 2 बार रिविजन कर दूंगा. नाउ द प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से बेसिक के लिए मैं चार्ज करूँगा $2, इसके लिए 6 एंड इसके लिए 8. तो आप ये देख रहे हो, ये ट्रेंड हमारा बेसिकली यही है कि स्टैंडर्ड को हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट प्रीमियम वाले सारे फीचर्स हैं. ये सेटिंग्स आपको अपने हिसाब से ही देखनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू योर सर्विस. अब जो नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. द फोर्थ स्टेप इज़ रिक्वायरमेंट्स एंड दिस इज़ बेसिकली कि आपको अपने क्लाइंट से क्या चाहिए. तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर कुछ भी आपको डिटेल ऐसा चाहिए हो, तो आप यहाँ पे अपने प्री डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस को एंड गेट इट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, एड, सेव एंड कंटिन्यू. Now, next, number 5 is gallery. So, this is basically to give the photos जो भी आप यहाँ पे देखते हो. And यहाँ पे I would recommend एक और tip is to add all the photos. तो not only these 3, but अगर हो सके तो एक छोटा सा video और एक document भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं. Once you fill out all of this, ये publish gig का button open हो जाएगा. काफ़ी चीज़ें इस video में हमने cover की. अगर आपको ये video अच्छा लगा हो, then make sure you like this video and share it with your freelancer friends. And जो वीडियो मैंने पिन किया है, make sure you watch those. क्या पता आपके लिए कौन सा वीडियो काम कर जाए. And until next time, I will see you in the next video. Bye bye.